अऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाहिद यूसुफ और आज हम बनाने लगे हैं हॉट एंड सॉर सूप विद वेजिटेबल, और यानी कॉर्न सूप भी से कहते हैं और हॉट एंड सॉर सूप भी कहते हैं। तो हम बनाने लगे हैं, इसमें हमने तकरीबन ये एक चूज़ा लिया है हमने, क्योंकि ये देसी मुर्गी है, फार्मी नहीं है। आप आधा किलो हड्डी वाला गोश्त ले सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन के जवे लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं, बाकी मैं नमक ले रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी तकरीबन 2-2.5 किलो, और इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। लेकिन क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ तो 10 से 15 मिनट का ऐसे मैं टाइम दूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मैंने इसमें तकरीबन 2.5 किलो पानी डाला है और मैं ऐसे चूल्हे पर रखती हूँ। ये 15 मिनट में गल जाएगी, क्योंकि ये देसी मुर्गी है, इसमें टाइम लगेगा। तो 15 मिनट में इसे वेट लगा के इसे बना के दिखाती हूँ अभी, उसके बाद अब दिखाते हैं आपको कि क्या करना है। लेकिन जनाब, इसमें उबाल आने वाला है। जैसे उबाल आता है, मैं इसे कुकर के ढक्कन को बंद करती हूँ, वेट लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन जनाब, ये कुकर की घंटी बजने लगी है, ठीक 15 मिनट बाद इसे उतार लीजिएगा। लेकिन जनाब, ये 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, मैं इसे खोलने लगी हूँ और उसके बाद इसमें से मुर्गी निकाल लूँगी और फिर उसका जो यखनी पानी होगा उसमें जो चीज़ डालते हैं दिखाती हूँ। लेकिन जनाब, ये गोश्त गल गया और मैं इसे इस तरह करके सारी बोटियों को निकाल लूँगी और मैं फिर आपको दिखाती हूँ छान के इसे। देखिए जनाब, ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है, मैं इसे अभी टुकड़े करके दिखाती हूँ। और ये मैंने छान लिया है, मैं बाकी दिखाती हूँ क्या करना। देखिए जनाब, मैंने इस यखनी के पानी को, नीचे सूप के पानी को छान लिया है। अब मैं इसमें अजीनोमोटो डाल रही हूँ, आधी चमची और आधी चमची नमक डाल रही हूँ। अजीनोमोटो हो यानी चाइनीज़ नमक हो तो डालें, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। ये उबली हुई मकई है, ये आप डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है, कम डालना चाहें ज़्यादा डालना चाहें। इसके अलावा ये मैंने गाजर कश की है, ये डाल दें इसके अंदर। इसके अलावा मैंने ये बंद गोभी को कश किया है, ये डाल दें हसब ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत हो। मैंने छोटा सा आधा टुकड़ा काट के डाला है। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ, इसे 2-3 मिनट पकने दें, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए जनाब, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसे 2-3 मिनट पकने दें, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। देखिए जनाब, ये मैंने मुर्गी को जो शरशा कर लिया है, वो आपकी मर्ज़ी है, छोटे टुकड़ों में करें बड़े टुकड़ों में करें। ये मैं 2 चमचे ये वाले कॉर्नफ्लोर के भर के लिए हैं मैंने, मैं इसे घोल लूँगी पानी के साथ। और मैं ये 2 अंडे ले रही हूँ, और इन अंडों की ख़ास बात ये है, ये मुर्गी के अंडे हैं, लेकिन इनमें 2-2 जर्दियाँ निकलेंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जनाब, ये मैंने 1 अंडा तोड़ा है, इसमें से 2 जर्दियाँ निकली हैं, उसमें से भी 2 जर्दियाँ निकलेंगी। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें घोल लिया है, ये मैं अब आपको डाल कर दिखाती हूँ। इन अंडों को आप फेंट लें, ये 2 अंडे हैं, उसमें से 4 जर्दियाँ निकली हैं। अंडे हमने फेंट लिए हैं, अब हम मुर्गी डालने जा रहे हैं उसमें। इसे 2 मिनट हो गए हैं, हम इसके अंदर चिकन भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी गैस चली गई है और लाइट भी चली गई है, तो मैं इसे दोबारा पहले वाले चूल्हे पर रख दूँगी और मैं इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर डालूँगी, मिक्स करके अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए जनाब, क्या ज़बरदस्त कलरफुल सूप तैयार हो रहा है। मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर डालने लगी हूँ, इसे 2-3 आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करें। इसे 2-3 मिनट पकाना है, यह आपकी मर्ज़ी है, इसे आपने कितना थिक रखना है, कितना पतला रखना है, ये देख सकते हैं। 2-3 मिनट पक जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मैंने इसमें काली मिर्चें पीसी हैं और ये सफ़ेद मिर्च ली है, मैं इसमें डालने लगी हूँ। इसे मिक्स कर दें, कितना खूबसूरत कलरफुल सूप तैयार हो रहा है। ये मैंने सोया सॉस लिया है 2 चमचे, इसी तरह मैंने चिली सॉस लिया है 2 चमचे, और ये मैंने लिया है सिरका और ग्रीन चिली। ये देख रहे हैं आप, क्या ज़बरदस्त सूप तैयार हुआ है, हॉट एंड सॉर सूप। अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसे आप ठीक रखना चाहते हैं, पत्ता रखना चाहते हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है, मेरी लाइट नहीं है यहाँ पर। अब मैंने इसमें अंडे जो फेंटे हैं वो ऐसा ऐसा करके मैं डालूँगी। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, इसे चलाते रहें,
बेहतरीन किस्म का आपका वेजिटेबल के साथ मकई के साथ हॉट एंड सॉर सूप तैयार है। ये जितना देखने में दिलकश लग रहा है उतना ही खाने में मज़ेदार होगा। इसे एक दो मिनट के लिए पकाएं। और हाँ, एक और टिप वो ये कि चूल्हे पे इसे रखे रहने देंगी तो ये पतला नहीं होगा। अगर आप इसे चूल्हे से उतारेंगी, इसे हल्की आंच पे रखा रहने देंगे, कभी भी पतला नहीं होगा। बेहतरीन सूप तैयार है। मैंने इसे डोंगे में निकाल दिया, दिखाती हूँ भी आपको। यहाँ पर लाइट नहीं है, ये देखें जनाब क्या कलरफुल हॉट एंड सॉर सूप तैयार हुआ है। इसमें मकई भी है, गाजर भी है, गरम कल्ला भी है, बंद गोभी भी है, अंडे भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। अब आप इसे गार्निश करना चाहें हल्की हल्की इस पर डालकर, तो हर अनियन डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई मसला नहीं है। हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारा बेहतरीन किस्म का हॉट एंड सॉर सूप वेजिटेबल के साथ तैयार है। ये जितना देखने में दिलकश लग रहा है उतना ही खाने में मज़ेदार होगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक हमारे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हिदायत के रास्ते पर रखे। आमीन सुम्मा आमीन।